नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूँ शिवराज सिंह। चारा घोटाले में सजा काट रहे बिहार के पूर्व सीएम और राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू यादव रांची के रिम्स अस्पताल में भर्ती है। उन्हें सांस लेने में तकलीफ है। रिम्स के पेइंग वार्ड में भर्ती लालू यादव की तबीयत फिलहाल स्थिर बताई जा रही है। इस बीच उनके परिवार पत्नी राबड़ी देवी, बेटी मीसा भारती और दोनों बेटे तेज प्रताप और तेजस्वी यादव ने भी रांची पहुंचकर लालू यादव का हालचाल लिया है। सांस लेने में समस्या के बाद अस्पताल में भर्ती लालू यादव पहले से 15 बीमारियों से जूझ रहे हैं। रिम्स की रिपोर्ट के अनुसार लालू यादव डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हृदय रोग, किडनी की बीमारी, किडनी में स्टोन, तनाव, थैलेसीमिया, प्रोटेस्ट का बढ़ना, यूरिक एसिड का बढ़ना, ब्रेन से संबंधित बीमारी, कमजोर इम्यूनिटी, दाहिने कंधे की हड्डी में दिक्कत, पैर की हड्डी की समस्या, आंख में दिक्कत, दिल से संबंधित जैसी समस्याओं से ग्रसित है। बता दें कि रिम्स ने लालू यादव की तबीयत को लेकर बुलेटिन जारी किया है, जिसके मुताबिक आरजेडी सुप्रीमो के लंग्स में इन्फेक्शन है। हालांकि अभी वो ठीक है और बात भी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि लालू यादव को निमोनिया की दवाई दी गई है, वहीं उनकी कोरोना रिपोर्ट निगेटिव आई है। लालू प्रसाद यादव का इलाज कर रहे डॉक्टर उमेश प्रसाद ने बीते दिसंबर में बताया था कि उनकी किडनी लेवल 4 यानी उनकी किडनी लास्ट स्टेज में है। किडनी सिर्फ 25% ही काम कर रही है और उनको कभी भी इमरजेंसी हो सकती है। उन्हें कभी भी डायलिसिस के लिए भी कहा जा सकता है। बता दें कि लालू प्रसाद यादव चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता है और 23 दिसंबर 2017 को जेल भेजे गए थे। लालू को सजा काटते हुए 3 साल पूरे हो गए हैं, लेकिन पिछले 2.5 साल से वो बीमारी के कारण रांची के रिम्स में भर्ती है और इलाज करा रहे हैं। 6 दिसंबर 2018 को लालू यादव को जेल से रिम्स में शिफ्ट किया गया था। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।